पूर्व मंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक जबरदस्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि किसान का बेटा किसानी करता है, अधिकारी का बेटा सरकारी नौकरी करता है, सेठ का बेटा व्यापार करता है, तो राजनेता के बेटे को क्या भीख मांगना चाहिए। उन्होंने कहा नेता के जो लायक बेटा बेटी होंगे उन्हें टिकट मिलेगा। गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव दमोह लोकसभा सीट से दावेदार हैं। उनका यह भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में आधा दर्जन नेताओं के परिजनों को जो टिकट चाहिए उसमें देने में कोई बुराई नहीं है। कुल मिलाकर दिग्गज नेताओं ने खुलकर अपने बेटे बेटी भाई भतीजे के लिए लोकसभा टिकट के नाम रखे और पार्टी कार्यालय में आकर सार्वजनिक बयान भी दिया कि किसान का बेटा किसानी करेगा तो राजनेता का बेटा क्या करेगा। पार्टी ने सभी 29 संसदीय सीट के सभी जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया था। इन लोगों से बातचीत के लिए दिग्गजों के 5 समूह बनाए गए थे जिन्होंने सभी के साथ पहले सामूहिक बातचीत की, फिर अलग अलग राय जानी। रायशुमारी की तर्ज पर पार्टी नेताओं ने मौजूदा सांसद के बारे में फीडबैक लिया, साथ ही खुद को छोड़कर टिकट के 3-3 दावेदारों के नाम भी पूछे। इस समूह में शिवराज सिंह चौहान को ग्वालियर भिंड मुरैना गुना शिवपुरी की जिम्मेदारी दी गई थी। कैलाश विजयवर्गीय को शहडोल मंदसौर उज्जैन देवास की जिम्मेदारी दी गई थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।